हाय गाइस, बाइनेंस पे फंड डिपॉजिट करने का सबसे आसान तरीका आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं। और आपको ये भी एश्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाइनेंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है और अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर INR को डायरेक्ट डिपॉजिट करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बट उसके अलावा यहाँ पर दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप इंडियन करेंसी को बाइनेंस में डिपॉजिट करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका है कि अगर आपके पास कोई और इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अकाउंट है, जैसे कि कॉइन DCX या फिर कॉइन स्विच कुबेर, तो वहाँ पर आप INR के बिहाफ में कोई भी क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर लीजिए एंड देन उस क्रिप्टो को आप बाइनेंस में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ट्रांसफ़र फीस देनी होती है। वहीं दूसरा मेथड है P2P, और आज मैं आपको P2P के थ्रू ही डिपॉजिट करना बताने वाला हूँ। इसके लिए किसी भी प्रकार की आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है और ये काफ़ी इजी भी होता है। बहुत से लोगों को P2P को लेकर ये डाउट बना रहता है कि ये कैसे होगा या फिर कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि आखिर ये P2P काम कैसे करता है, और उसके बाद आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। बाइनेंस में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना जरूरी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, वहां से जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। और तो और, अगर आप अपना अकाउंट मेरे रेफरल आईडी के थ्रू ओपन करते हैं तो आपको 35% तक का डिस्काउंट आपके ट्रेडिंग फीस पर मिल जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ये P2P काम कैसे करता है। P2P मेथड बैंक के एस्क्रो अकाउंट की तरह ही काम करता है, जहां पर सारे ट्रांजेक्शन के बीच में एक एस्क्रो एजेंट बैंक होता है, जो कि ये एश्योर करता है कि सेलर को उसके पैसे मिल जाए एंड बायर को उसका प्रोडक्ट। बाइनेंस पर हर क्रिप्टो करेंसी USDT के पेयर में अवेलेबल है, तो आपको सबसे पहले USDT को परचेस करना होता है, देन आप किसी और क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर पाते हैं। बट अब सवाल ये है कि ये USDT कहां से मिलेगी। तो ये USDT हमें परचेस करनी होगी किसी ऐसे पर्सन से जो इसे सेल कर रहा हो, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस P2P के थ्रू होगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बायर है जिसे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है, बट उसकी करेंसी बाइनेंस पर अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में बायर USDT को परचेस करने का ऑर्डर P2P के थ्रू बाइनेंस पर डालेगा। जैसे ही ऑर्डर बाइनेंस पर आएगा, बाइनेंस सेलर के USDT को ब्लॉक कर देगा। देन बायर को जितने की USDT चाहिए उतना फंड सेलर के दिए हुए अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, एंड देन जैसे ही सेलर को बायर का पेमेंट रिसीव होगा और वो कंफर्म करेगा, उसके बाद बैलेंस उतने USDT को सेलर के अकाउंट से डेबिट करके मींस निकाल कर बायर के अकाउंट में डाल देगा। अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ी होती है तो बैलेंस दोनों से ही प्रूफ मांगेगा, और जो भी यहां पर गलत पाया जाता है उसका अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब मैं सेम प्रोसेस को लाइव करके भी दिखा देता हूं। उसके लिए हम बैलेंस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। बैलेंस के एप्लीकेशन को लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको अपना वॉलेट चेक करवा लेता हूं। वॉलेट के ऊपर क्लिक करने पर आप स्पॉट वॉलेट में देख सकते हैं कि मेरे पास ओनली $1.68 अवेलेबल है, और फंडिंग वॉलेट में यहाँ पर मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो अब हम लोग बैक आ जाएंगे होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद आपको P2P ट्रेडिंग कहाँ पर मिलेगी, सबसे पहला तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ट्रेड्स के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको P2P का शो कर देगा। अदरवाइज आप वॉलेट में भी जाकर, वॉलेट में जाने के बाद आप फंडिंग में चले जाइए एंड देन यहां पर भी आपको P2P का ऑप्शन मिल जाएगा। इन तीनों ही जगह से कहीं से भी आप P2P के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। इस पेज के ऊपर आते ही आपको सबसे ऊपर में राइट कॉर्नर में INR का साइन दिखाई देगा। इनकेस अगर आपको INR का साइन नहीं दिख रहा है और आप इंडिया से है तो आप इसे INR के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। देन जस्ट नीचे आते ही आपको बाई एंड सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो क्योंकि हम लोग यहां पर USDT को परचेस करने वाले हैं तो हम लोग इसे बाई ही रहने देंगे। सेल के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सेल करके आप अपने अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो
ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्योंकि अभी हम लोगों को फिलहाल बाई करना है तो हम लोग बाई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जस्ट नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी शो कर रही है, USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH। तो हमें यहाँ पर USDT बाई करना है तो हम लोग USDT के ऊपर ही क्लिक करेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग USDT ही परचेस करें। अगर आपको डायरेक्टली बिटकॉइन खरीदना है तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन USDT परचेस करने का एक फायदा ये भी है कि बाइनेंस पर मैक्सिमम जो कॉइन है वो USDT के पेयर में है। तो अगर आपके पास USDT अवेलेबल रहेगा तो आप यहाँ पर कोई भी कॉइन परचेस कर सकते हैं। सेकंड, जैसे ही आप नीचे आते हैं थोड़ा तो यहाँ पर आपको सेलर्स की लिस्ट दिखाई देगी, काफी सारे सेलर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कितने अमाउंट का USDT परचेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 1000 रुपीज का USDT परचेस करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिमिट को सेट करना होगा। तो लिमिट यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सभी सेलर्स के लिमिट अलग अलग हैं, तो हमें कोई ऐसा सेलर सेलेक्ट करना होगा जो हमें 1000 रुपीज के USDT दे दे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिल्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन आ रहा है अमाउंट का, उसके ऊपर आपको अमाउंट डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद आपको नीचे में कुछ ऑप्शंस शो कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट आप किस मोड में करना चाहते हैं सेलर को। तो मैं यहाँ पर UPI को प्रीफर करता हूँ। आप लोग जिस भी मोड को प्रीफर करते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नीचे में कंफर्म का ऑप्शन है, कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो सेलर की लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी और आपको यहाँ पर जो पहला सेलर दिख रहा है 83.20 INR, मींस 83.20 रुपीस के बदले में ये सेलर आपको 1 USDT प्रोवाइड करेगा। सेकंड चीज, आपको ऐसा सेलर सेलेक्ट करना है जो जेन्युइन हो। तो सेलर अच्छा है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा उनके सक्सेस रेशो में, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है उसके सक्सेस रेशो कितने परसेंट रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 95% से जो ऊपर का सक्सेस रेशो वाले सेलर्स होते हैं या बायर होते हैं उन्हीं के साथ आप लोग डील कीजिए, और साथ ही साथ उन्होंने कितने ट्रेड्स अभी तक कंप्लीट किए हैं ये भी चेक कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले सेलर के साथ जाएंगे, इनका जो सक्सेस रेशो है वो भी काफी अच्छा है और इन्होंने काफी ज्यादा ट्रेड्स भी किए हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर बाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लगता है यहाँ पर लिस्ट जो है वो अपडेट हो गई है, तो हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने नई लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको सेकंड नंबर का सेलर दिख रहा है उसका सक्सेस रेशो भी अच्छा दिख रहा है और उसने काफी ज्यादा ट्रेड्स भी किए हुए हैं, तो हम लोग उसे सेलेक्ट करेंगे और बाई के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। बाई के ऊपर क्लिक करते ही ये बाइंग विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जहां पर पहला ऑप्शन दे रहा है बाय फिएट, मतलब आपके कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अमाउंट डाल सकते हैं। और जस्ट बगल में यहां पर बाय क्रिप्टो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पर आपको कितने क्रिप्टो बाय करने, कितनी क्वांटिटी में परचेस करना है उसे डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बाय फिएट का ही यूज करेंगे ताकि हमें एक मोटा मोटी क्वांटिटी पता चल जाए, और हम यहाँ पर अमाउंट डालकर बाय विथ जीरो फी, किसी भी प्रकार का कोई भी फीस नहीं लगेगा यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट नीचे जैसे ही आप आते हैं तो ट्रेड इन्फो दिया हुआ है, ट्रेड इन्फो में यहाँ पर जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उनका नाम दिया हुआ है, एंड सेलर पेमेंट मेथड यहाँ पर UPI दिया हुआ है, एंड यहाँ पर जो पेमेंट विंडो रहेगा वो 15 मिनट के लिए ही ओपन रहेगा, मतलब आपको बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद 15 मिनट के अंदर ये अमाउंट सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बाई विथ जीरो फी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होके आ गया है कि आपने जो ऑर्डर डाला है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमें 15 मिनट के अंदर उन्हें ये फंड ट्रांसफर करना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं चैट का, तो चैट हमें बाद में कर सकते हैं हम लोग फंड ट्रांसफर करने के बाद, अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है मेक पेमेंट का, उसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा विंडो ओपन होके आपके सामने आ जाएगा जहां पर सेलर का नाम और UPI ID शो करेगी आपको, तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने इसे UPI एप्लीकेशन में जाके पेस्ट करके इन्हें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इनका जो एड्रेस है वो कॉपी कर लिया है और अभी पहले हमें फंड ट्रांसफर करना होगा,
उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो उसके लिए हम अपने यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर जो सेलर है उसकी सारी डिटेल्स डालकर हम इनसे 1000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1000 रुपीज मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है सेलर को। और जैसे ही आप ये फंड ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें फिर से बैलेंस के पेज के ऊपर आ जाना है एंड देन आपको ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर फिर से 14 मिनट्स का विंडो ओपन हो गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 मिनट के अंदर जो सेलर है वो आपको ये USDT क्रेडिट दे देगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी 12 USDT हमको यहां पर डिपॉजिट मिल चुकी है। सेलर ने तुरंत कंफर्म कर दिया है कि हमारा जो 1000 रुपीस था उसे रिसीव हो चुका है। यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस UPI ID से ट्रांसफर कर रहे हैं उस UPI ID में जो बैंक अकाउंट लिंक है वही बैंक अकाउंट आपके बैलेंस अकाउंट में भी लिंक होना जरूरी है। आप किसी और बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकते। अदरवाइज किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो बैलेंस आपकी किसी भी प्रकार से कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेलर एट ए टाइम अवेलेबल नहीं रहता, तो उस कंडीशन में आपको जो चैट का ऑप्शन मैंने दिखाया था उस चैट के ऑप्शन में जाकर उससे आप चैट भी कर सकते हैं। बैलेंस भी अपने तरफ से फॉलोअप लेते रहता है, सेलर को मैसेजेस एंड कॉल करते रहता है कि आपको फंड रिसीव हुआ या नहीं हुआ, आप उन्हें कंफर्म करें। उसके बाद ही बैलेंस जो भी क्रिप्टो के लिए आपने परचेस का ऑर्डर लगाया था उसे रिलीज करके आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बार देख भी लेते हैं कि जो क्रिप्टो हमने परचेस किया वो हमारे वॉलेट में आया है या नहीं आया। इसके बाद भी एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके बाद ही आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ऑर्डर कंप्लीट का भी मैसेज हमारे सामने आ गया है। जो 1000 रुपीस का हमने परचेस किया था वो यहां पर परचेस हो गया है। बैक कर लेते हैं हम लोग। बैक करने के बाद हम लोग वॉलेट के ऊपर आ जाएंगे और वॉलेट में आप देख सकते हैं कि ये जो फंड आया है वो पैसा आया है फंडिंग वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट में हमारा अभी भी $1.68 ही अवेलेबल है। तो हमें फंडिंग वॉलेट में जो फंड आया है इस फंड को हमें ट्रांसफर करके स्पॉट वॉलेट में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पैसे का यूज किसी और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को परचेस के लिए कर पाएंगे। तो सिंपली यहां पर आपको ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फंडिंग वॉलेट टू स्पॉट वॉलेट पहले से सिलेक्टेड है। देन BTC को हमें ट्रांसफर करना है, नहीं हमें USDT को ट्रांसफर करना है क्योंकि हमने USDT परचेस की है। तो USDT को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जितनी भी USDT रहेगी वो आप एक बार में ट्रांसफर कर पाएंगे। देन नीचे में कंफर्म ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके कि फंडिंग में जो $12 थे वो आपके यहाँ से निकल गए हैं और वो चीज आपके स्पॉट वॉलेट में क्रेडिट कर दी गई है। इस ट्रांसफर के लिए जो कि आप फंडिंग वॉलेट से निकालकर स्पॉट वॉलेट में करेंगे इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती, ये टोटली फ्री है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी प्रोसेस काफी ही इजीली तरीके से मैंने समझाया। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, आप लोग वहां पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।